खराब कारकर्दगी या कुछ और। पंजाब काबीना में तब्दीली का आगाज आन चौधरी की मशीर, वजीर आला पंजाब के ओहदे से छुट्टी, आसिफ महमूद नए मशीर मुकर्रर, मालिक असद खोखर को वजीर बनाने की मंजूरी, वजीर आला उस्मान बुज़दार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस अहम मामले और तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा और अखलाक अहमद बाजवा। पहले बात करेंगे हसन रजा से। हसन रजा बताइएगा, वजीर आजम के करीब तरीन आन चौधरी को भी बदल दिया गया? कांग्रेस के साथ साथ मुदाखलत और जब जो प्रस्ताव दिया जाएगा वो चीज नहीं करेंगे तो इनको यहाँ से तब्दील किया जाएगा। और उसके बाद अभी भी जो है उन जराई का ये दावा है कि कोशिश की जा रही है किसी और ओहदा पे तैनात कर दिया जाए, लेकिन फिल वक्त इनको कहीं पर तैनात ना करने का फैसला किया गया है। और जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानब से सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर मोहम्मद शहर बकबर की जानब से जो लेटर जारी किया गया है उसमें वाजह तौर पर लिखा है कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पंजाब एडवाइजर ऑर्डिनेंस 2002 के तहत आसिफ महमूद को एडवाइजर के चीफ मिनिस्टर पंजाब तैनात कर दिया गया है, मोहम्मद औन चौधरी को वहां से फारिग कर दिया गया है। अब जो है आसिफ महमूद जो है वो वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मशीर बराए पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एंड टूरिज्म के हवाले से जो है मामला देखेंगे ताकि उनको टास्क दिया जाए किया है कि वो इस मामला को बेहतर बनाए। और जो दूसरा चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानेब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक जो मलक असद खोकर है जिनका ताल्लुक पीपी जो है लाहौर से है, पीपी 168 से है, उनको जो है पंजाब का सूबाई वजीर बनाने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा उस्मान अहमद खान बुज़दार के साइन है लेटर पर और उस्मान अहमद खान ने उसके जो है उनका नोटिफिकेशन जारी किया है मलक असद खोकर की तैनाती का। और नोटिफिकेशन के बाद जो है अभी कुछ ही देर बाद है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान उनका जो है बाकायदा हल्फ लिया जाएगा। हल्फ लेने के बाद जो है बताया ये जाता है कि 3 वजारतें जो है मामले हुए हैं उनमें से कोई 1 वजारत दी जाएगी जिसमें पहले नंबर पर बल्दियात है, दूसरे पर जंगलात और तीसरे नंबर पर जो है वो दाखिला की वजारत के हवाले से मामला जेर गौर है। लेकिन जराए का ये कहना है कि शायद बल्दियात की वजारत इनको दी जा रही है या जो है जंगलात, और तीसरी के हवाले से डिस्कशन अंडर डिस्कशन जो किया जा रहा है इनको कौन सी वजारत दी जाए। और ये हाँ ये कहा जा सकता है कि तब्दीली जिसे कहा जा सकता था कि मुहर्रमुल हराम के हवाले के बाद है फौरी जो तब्दीली हुई कैबिनेट में तब्दीली हुई जिसमें तब्दीली का आगाज हो जाएगा वो तब्दीली का आगाज शुरू हो चुका है। और उसके बाकायदा तौर पर उस्मान अहमद खान बुज़दार ने खुद अपने नोटिफिकेशन अपने साइंस से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मलक असद खोकर से पंजाब के सूबाई वजीर हैं और नोटिफिकेशन करने के बाद जो है वो उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन ये बहुत अहम ठीक है मोहम्मद हसन रजा।